नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ इसरार खान। काशीपुर से आ रही है बड़ी खबर। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में देर शाम एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या का मामला पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायालय भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें कि शुक्रवार देर शाम काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बाबरखेड़ा की रहने वाली 40 वर्षीय वीरवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया था। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में गांव के लोगों ने बताया कि जिस खेत में महिला का शव मिला था उसके पास के खेत में मुजफ्फर अली भांग के पत्ते रगड़ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव के ही मुजफ्फर अली युवक को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में युवक ने अपना जुर्म कबूल लिया। मामले का खुलासा करते हुए CO काशीपुर ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी युवक नशे का आदी था। उन्होंने बताया कि युवक के पास से घटना में प्रयुक्त पाटल और खून से रंगी कमीज बरामद हुई। युवक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अजहर मलिक, काशीपुर। और अपने उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया गया। जैसी सूचना मिली उसके बाद मेरे द्वारा जो है आसपास के थानों से भी फोर्स को बुलाया गया। इसमें काशीपुर, जसपुर की भी टीमें बना के लगाई गई। आसपास के गांव शामनगर में, बाबरखेड़ा में, लालपुर में पूछताछ करी गई, सुराग रस्सी पता रस्सी करी गई और इसी क्रम में हमको मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जिसका नाम मुजफ्फर अली सन ऑफ रफ़ीक अहमद निवासी बाबरखेड़ा था, उस पर शक जाहिर हुआ और उस शक के आधार पर हमने उस पर पूछताछ करी गई, जिस पर उसने हमें बताया कि उसने ही उस महिला का कत्ल किया है और उसने अपने घर से आला कत्ल भी बरामद किया जो कि एक पाटल नुमा हथियार था जिसने उस पर वार किया गया और उसकी हत्या करी गई। जैसा कि पूछताछ में पता चला है कि उसने बदनीयत से उस पर बलात्कार करने का प्रयास करने की वजह से उस पर छीना झपटी हुई है, जिसमें महिला द्वारा विरोध किया गया और उसके द्वारा पाटल से उसकी हत्या करी गई।